होला अष्टक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक होला अष्टक कहा जाता है। होलिका दहन के साथ ही होला अष्टक की अवधि समाप्त होती है। होला अष्टक को लेकर कई पौराणिक कथा है। इन कथाओं में बताया गया है कि आखिर क्यों होला अष्टक की अवधि में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मधु सरस चैनल पर आपका स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार होला अष्टक फागुन मास की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि की अवधि होती है। इस दौरान आठ ग्रह उग्र भाव में रहते हैं। इन ग्रहों के उग्र भाव में होने से मांगलिक कार्य निषेध होते हैं। अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो ग्रहों का उग्र स्वभाव अशुभ फल देता है। इस समय व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। शिव पुराण के अनुसार देवी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने अपना प्रेम वाण चलाकर भगवान शिव जी की तपस्या भंग कर दी थी। इससे भगवान महादेव काफी क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म हो जाने पर पूरी सृष्टि में शोक और हाहाकार मच गया और दुनिया मानो थम सी गई। कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को पूर्ण जीवित करने के लिए सभी देवी देवताओं के साथ भोलेनाथ की तपस्या और प्रार्थना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को फिर से जीवन दान दे दिया। कामदेव फागुन मास की अष्टमी तिथि को भस्म हुए थे और पूर्णिमा तिथि को पुनर्जीवित हुए थे। इस वजह से होला अष्टक के आठ दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भक्त प्रहलाद की कथा, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा तो हम सब जानते ही हैं। बताया जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए फागुन मास की पूर्णिमा तिथि तय की थी। पूर्णिमा तिथि से आठ दिन पहले राजा ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को काफी यातनाएं दी थी ताकि वह डर जाए और पिता का भक्त बन जाए। लेकिन यातनाओं के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। आठवें दिन यानी पूर्णिमा तिथि को बुआ होलिका ने अपनी गोदी में भतीजे प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की थी, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि होली से पहले के आठ दिनों में भक्त प्रहलाद ने जो यातनाएं सही थी वे यातनाएं ही होला अष्टक कहलाते हैं। इस वजह से इन आठ दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। होला अष्टक में पूजा पाठ और जप तप करना बहुत उत्तम माना गया है। इस अवधि में भगवान विष्णु या कुल के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से सुख शांति में वृद्धि होती है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने के कार्य करने चाहिए। होला अष्टक में भगवान शिव की हर रोज पूजा अर्चना करें और इस अवधि में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत उत्तम माना जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।